दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल बीजेपी के शरद चंद्र रेड्डी के साथ संबंधों पर उठ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में पहले से ही बीजेपी पर तलवार लटकी हुई थी और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर चुनावी चंदे में शरद चंद्र रेड्डी को लेकर बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। बीते दिन शरद चंद्र रेड्डी पर नया खुलासा सामने आया है, जिसके बाद ये आरोप और भी गंभीर होते जा रहे हैं। तो क्या है ये खुलासा, कैसे फंसती जा रही है बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में मचे सियासी घमासान में अब बीजेपी भी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जारी किए गए डेटा के जरिए हुए खुलासे में बीजेपी पर पहले से ही सवाल खड़े हो गए थे और अब शरद चंद्र रेड्डी के साथ बीजेपी के कनेक्शन को लेकर आरोप गंभीर हो गए हैं। दरअसल शरद चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये एपीएल हेल्थ केयर जैसी फार्मा कंपनियां भी चलाते हैं। नवंबर 2022 उन्होंने बयान दिया था कि मैं अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला हूँ, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। और बयान देने के अगले ही दिन यानी 10 नवंबर 2022 को वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा से पता चलता है कि 15 नवंबर 2022 को अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। 21 नवंबर 2022 को बीजेपी ने यह रकम भी भुना ली। उसके बाद रेड्डी ने 25 अप्रैल 2023 को ईडी के पास एक बयान दर्ज कराया और 1 जून 2023 को एक विशेष अदालत ने उन्हें मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी। इस बार उन्होंने कहा कि उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब उत्पाद नीति शुल्क मामले में किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता है। मामले में बयान दर्ज करने के कुछ ही महीनों बाद अरविंदो फार्मा ने 8 नवंबर 2023 को 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। बाद में इन सभी बॉन्ड को 17 नवंबर 2023 को भाजपा द्वारा भुनाया गया। अब मामले में बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि रेड्डी की गिरफ्तारी के पहले अरविंदो फार्मा ने तीन दलों को चंदा दिया था, बीआरएस, टीडीपी और बीजेपी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद सारा चंदा केवल एक ही पार्टी को दिया गया है यानी बीजेपी, जिसके बाद से बीजेपी पर आरोपों की कड़ी और मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिन आप मंत्री आतिशी ने मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग की थी और अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी अपने ही नेता को गिरफ्तार होने देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।